आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके फेसबुक पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उस नोटिफिकेशन से परेशान हैं और उस नोटिफिकेशन को बंद और चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के नोटिफिकेशन को चालू या बंद करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद सबसे नीचे में आपको एक सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ देर सर्च चलेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेटिंग का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर सर्च चलेगा और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको जिस भी चीज़ का नोटिफिकेशन बंद करना हो या चालू करना हो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल बताने वाले हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन कैसे चालू और बंद करते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए इसको यहाँ से इस क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफ़ कर देना है, तो यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको इस नोटिफिकेशन को ऑन करना है तो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो आप भी अपने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के नोटिफिकेशन को इसी तरह से चालू और बंद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो फिर नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।